बॉलीवुड आईना में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे लक्षद्वीप की। नरेंद्र मोदी जी की वजह से आज लक्षद्वीप हाईलाइट है। बहुत सारे होटल कंपनीज वहां पे होटल खोलने का प्लान कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने वहां जाने का फैसला किया है। बहुत से लोग इंक्वायरी कर रहे हैं, बहुत से लोग जाना चाह रहे हैं, बहुत लोग जा भी रहे हैं, प्लान भी कर रहा है, बुकिंग भी कर दिया है। तो आज मैं उन लोगों के लिए लक्षद्वीप का इतिहास बताना चाहता हूँ। लक्षद्वीप में क्या है, कब बना, कैसे बना, कितना आबादी है, क्या नहीं है, एवरीथिंग। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लक्षद्वीप पर इस तरह पहुंचा इस्लाम, हिंदू बस इतने ही बचे। हर चीज आपको बता रहा हूं। भारत में ही लगभग 1000 से ज्यादा आइलैंड है, लेकिन फिर भी लोग विदेश के आइलैंड पर घूमने जाकर वहां का कारोबार बढ़ाते हैं। भारत के प्रमुख आइलैंड में लक्षद्वीप एक शानदार टापू है। संस्कृति में लक्षद्वीप का अर्थ 1 लाख द्वीप है। यह पहले हिंदू और बौद्ध बहुल क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा है। तो आओ जानते हैं लक्षद्वीप पर इस्लाम आने की कहानी। भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से एक लक्षद्वीप है। कवरत्ती यहाँ की राजधानी है। केरल के कोचीन शहर से इसकी दूरी 440 किलोमीटर है। मालदीव से इसकी दूरी 700 किलोमीटर है। संस्कृत में लक्षद्वीप का अर्थ 1 लाख द्वीप है। इस भूमि पर 36 से अधिक छोटे छोटे टापू नुमा द्वीपों में बटी हुई है ये जगह, जिसे लक्षद्वीप कहा जाता है। यह दुनिया के सर्वाधिक विहंगम कटबंदी द्वीपों में से एक है। यहाँ सुंदर, सक्रिय और लंबे लैगून। इन सभी द्वीपों पर मूंगे के रीफ, रेतीले तट और सुंदर प्राकृतिक संपदा देखने को मिलती है। ये प्रदूषण रहित वायु, स्वच्छ पानी और अतिथि सत्कार एवं सुविधा के लिए प्रसिद्ध स्थल है। यहाँ आप सी ड्राइविंग कर सकते हैं। आप चाहें तो प्राकृतिक आनंद और आराम का भरपूर मजा ले सकते हैं। यहाँ की राजधानी कवरत्ती है। ये क्षेत्र केरल के तटीय शहर कोचीन से 440 किलोमीटर दूर है। पन्ना अरब सागर में स्थित है। यहाँ पे आप अक्टूबर से मार्च के बीच सैर सपाटा कर सकते हैं। मैं यहां पे बताना चाहूंगा लक्षद्वीप पर कैसे पहुंचा इस्लाम। लक्षद्वीप के ट्राइबल लोगों को कालांतर में इस्लाम में धर्मांतरित किया गया। अब यहां की 96% जनसंख्या ट्राइबल है, जो मुस्लिम समाज से है। ऐसा कहते हैं कि लक्षद्वीप में इस्लाम का प्रचार प्रसार 631 ईस्वी में एक अरब सूफी उबैदुल्ला द्वारा किया गया था, लेकिन कुछ इतिहासकार इसे नहीं मानते हैं, क्योंकि 632 ईस्वी तक तो इस्लाम अरब के कुछ शहरों में ही फैला था। बाकी दुनिया के लोग तो इस्लाम को जानते नहीं थे। 632 ईस्वी में हजरत मोहम्मद का निधन हुआ था। हालांकि कहानी जरूर पढ़ने को मिलती है कि शेख अब्दुल्ला अरब में रहता था। 7वीं सदी में वह समुद्र की यात्रा करने निकला तो तूफान के कारण उसका जहाज भटक गया और लक्षद्वीप के एक द्वीप पर पहुंच गया। वहां उसने एक हिंदू लड़की से विवाह किया। बाद में उसने सभी द्वीपों पर बड़े पैमाने पर धर्मांतरण कराया।
इतिहासकार का मानना है कि लक्षद्वीप में इस्लाम का उदय 7वीं सदी के प्रारंभिक दौर में अरब व्यापारियों के कारण हुआ था। अरब के व्यापारियों के प्रभाव में आकर 825 ईस्वी में जब केरल के एक हिंदू राजा चेरामान पेरुवल ने इस्लाम अपना लिया था, तब यहाँ पर इस्लाम तेजी से फैला। यहाँ के मुस्लिमों का रहन सहन और खान पान वैसा ही है जैसा कि उनके पूर्वजों का रहता आया है, क्योंकि यहाँ पर कभी भी तबलीगी जमात का प्रभाव नहीं रहा, जो कि मुस्लिमों को कट्टर और अरब जैसा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहाँ रहने वाले अधिकतर मुस्लिम मलयाली, तमिल और कन्नड़ की तरह बात करते हैं और रहते हैं। बहुत कम पर ही अरबी का प्रभाव है। जिन लोगों की संस्कृति और रीति रिवाज आज भी हिंदुओं की तरह है। वर्तमान में अनुमानित रूप से लक्षद्वीप की 70,000 की आबादी में 62,268 लोग मुस्लिम हैं, 1,788 हिंदू रहते हैं और 317 ईसाई परिवार रहते हैं। इस्लाम पर शोध करने वाले एंड्रयू डब्ल्यू फोर्ब्स ने बताया, यहाँ पर सबसे पहले बसने वाले मालावरी नाभिक थे, लेकिन उसके पुख्ता सबूत नहीं मिलते हैं। फोर्ब्स के अनुसार 7वीं शताब्दी के दौरान पलायन का एक दौर चला था। पलायन करने वालों में बड़ी संख्या में मालावरी हिंदू समाज के लोग थे। ये सभी राम और शिव की भक्ति के साथ नागदेव की पूजा करते थे। मालाबार तट के नाविकों और अरब के व्यापारियों के बीच लगातार संपर्क बढ़ने के चलते धीरे धीरे ये सभी इस्लाम में कन्वर्ट होते गए। अरबों के संपर्क में आने का कारण ये मालाबारी लोग अरबी भी सीख गए। अब इनकी मलयाली में अरबी के शब्द भी मिलते हैं। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के बौद्ध जातक कथाओं में इस द्वीप के बारे में उल्लेख किया गया है। 11वीं शताब्दी के दौरान द्वीप समूह पर अंतिम चोल राजाओं और उसके बाद कैनानोर के राजाओं का शासन था। यहाँ पर पुर्तगालियों का शासन भी रहा। इसके बाद अरक्कल के मुसलमान, फिर टीपू सुल्तान के शासन क्षेत्र में यह द्वीप रहा। इसके बाद यहाँ अंग्रेजों का शासन रहा। अंग्रेजों से आज़ादी के मिलने के बाद 1956 में इसे भारत के मद्रास प्रेसिडेंसी में मिला लिया गया। इसके बाद इसे केरल में शामिल किया गया। सॉरी, तो एक लक्षद्वीप का ये स्टोरी है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के विजिट के बाद लक्षद्वीप अभी बनेगा रियल में टूरिस्ट प्लेस। कुछ होटल कंपनी यहाँ पर होटल खोलने की तैयारी कर रही हैं। गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि एयरपोर्ट के लिए, वो कल मैंने आपको बताया था कि लक्षद्वीप में एक नया एयरपोर्ट बन रहा है जो पब्लिक भी जाएगी और एयरफोर्स वाले भी वहाँ पे यूज करेंगे। और उससे एयरपोर्ट बन जाने के बाद हमारी जो दूरी है वो कम हो जाएगी। अभी हम लक्षद्वीप जाना है तो यहाँ से कोचीन जाना पड़ेगा, कोचीन से हमें फिर शिप से या बोट से हमें लक्षद्वीप जाना पड़ेगा। जब हमारा फ्लाइट चालू हो जाएगा तो हम डायरेक्ट लक्षद्वीप पे पहुँच सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें उड्डयन मंत्री सिंधिया जी से एक बात बोलना चाहूँगा जो मेरे दिमाग में आया। अगर लक्षद्वीप को डेवलप करना है तो हमें फेयर के बारे में सोचना पड़ेगा। अभी लक्षद्वीप हमें जाना है तो हमें एक बंदे को सिर्फ जाने का 10,000 से 14,000 रुपये का खर्चा आता है। इतने में आदमी दुबई भी चला जाएगा, मस्कट भी चला जाएगा, कहीं और या नेपाल भी चला जाएगा। तो वो चीज़ सोचना पड़ेगा कि हमें
जो यात्रा करनी है फ्लाइट से करनी है, अभी तो फ्लाइट ही का साधन है, या फिर कोचिन से बोट के थ्रू जा सकते हैं, तो वो थोड़ी सस्ती होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो बहुत जल्दी आप सभी को मिलेगा देखने के लिए लक्षद्वीप डेवलप। सिर्फ आप 5 साल वेट करिएगा, लक्षद्वीप की कायाकल्प हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। और मोदी जी का टारगेट वो हिट है कि वो लक्षद्वीप को मालदीव से भी खूबसूरत बनाएंगे। खूबसूरत तो है, ये फैसिलिटी वहाँ पे बहुत सारी अच्छी करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और मुझे नरेंद्र मोदी पर भरोसा है, और भारत की 140 करोड़ जनता को भी नरेंद्र मोदी पर भरोसा है। हाँ, कुछ पॉलिटिशियन वगैरह वगैरह बोलते रहते हैं, उनका काम ही है, अगर नहीं बोलेंगे तो उनको याद कौन रखेगा, इसलिए वो बोलते हैं, उसकी बातों में नहीं जाने का। जो आदमी देश को प्रोग्रेस कर रहा है, हमें उसकी बात सुनना चाहिए। जो देश को 500 साल पीछे ले जाना चाहता है, उसकी हम क्यों सुने? कभी ऐसा भी हो सकता है कि लोग बोले एक थी कांग्रेस, ये सच भी हो सकता है। तो ये था हमारा वीडियो, हमारा बताने का मकसद था लक्षद्वीप का इतिहास, वहां पे क्या अभी होने वाला है। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।